बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स को हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर्स के थ्रू देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने पैरल प्लेट कंसीडर की है पैरल प्लेट को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल V है अब इस बैटरी की एक लिमिटेशन है क्योंकि ये जब चार्ज ट्रांसफर करेगी तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा बट एक नेगेटिव चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा V1 और पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट का कुछ पोटेंशियल होगा V2। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है वो कितना होगा V2 टू माइनस वो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके बराबर ये मैक्सिमम बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर सकती है वी सो देअर इज ए लिमिटेशन देयर इज ए लिमिटेशन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वी पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो अबेंशियल क्रिएट करने के लिए इट हैज होल्ड सम चार्ज कुछ इसके पास चार्ज आना पड़ेगा तो ये चार्ज देखो अल्टीमेटली इसको पोटेंशियल वी बनाना है तो यहां पर कितना चार्ज चाहिए पोटेंशियल वी बनाने के लिए इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स पहला होता है शेप ऑफ शेप ऑफ द जो ये कैपेसिटर है इसको कैपेसिटर बोलते हैं ये शेप पर डिपेंड करता है दूसरा होता है कि आपका अंदर मीडियम कौन सा है इसके अंदर अगर हमने मीडियम कुछ डिफरेंट कर दिया तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है तो दूसरा होता है मीडियम ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स तो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हमने कितना चार्ज यहां पर यहां पर कितना चार्ज चाहिए सो दैट वी कैन मेक द पोटेंशियल टू बी वी सो दिस इज द दीज टू फैक्टर्स दी टू फैक्टर डिसाइड द कैपेसिटी क्या डिसाइड करते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एक कंडक्टर की कैपेसिटी डिसाइड करते हैं टू होल्ड द चार्ज टू होल्ड चार्ज। थिंग, लेट से आपके पास एक वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक कंडक्टर है आपने उसको कुछ चार्ज ट्रांसफर किया पॉजिटिव चार्ज तो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होता है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो जहां पर रेडियस होंगे इंक्रीज हो जाएगी और जहां पर फ्लैट सरफेस होगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी सो ड्यू टू दिस रीजन आपका जो हैं, वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है चार्ज हो, हो जाता है तो उसकी सिग्मा बहुत इंक्रीज हो जाती है और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन चार्ज डेंसिटी अपॉन एपस तो आप देखेंगे अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाईली इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं तो आपके मीडियम में जो भी मीडियम है आपका अगर वैक्यूम नहीं है मीडियम है तो यहां पर क्या होता है कि मीडियम को ये पोलराइज करना स्टार्ट कर देता है यहां पर क्या करता है ये नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा यानी कि मीडियम को आयोनाइज करना स्टार्ट कर देगा देगाइज स्टार्ट कर देगा देगाइज करना स्टार्ट कर देगा उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को यानी कि मीडियम से वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को विद्रॉ करना लगेगा देखो ये मीडियम है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो ये क्या कर देगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा तो इसी को बोलते हैं ऑफ़ मीडियम तो ये मीडियम का डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना जल्दी आयोनाइज होगा तो देर लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड फील के बाद हमारा मीडियम क्या होगा आयोनाइज स्टार्ट हो जाएगा सो so, इस कंडीशन में भी क्या होता है कि देर इज ए लिमिट टू विच वी कैन चार्ज द कैपेसिटी कंडक्टर यहां पर एक लिमिट होती है जिस तक हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड कैपेसिटी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज टू होल्ड द चार्ज सो बाद में हम इस प्रॉपर्टी को कुछ नाम देने वाले हैं कि ये कैपेसिटी क्या कहला जाती है कैपेसिटर कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड टू इच अदर यानी कि आप ये टू पैरल प्लेट्स को देखिए यहाँ पर एक को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है एक को नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि यहाँ पर दोनों का सम यानी कि क्यू वन इन दोनों का सम इनके आउटर साइड पर आ जाएगा और यहाँ पर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो दोनों का सम हो जाएगा जीरो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज जीरो होगा और यहाँ पर भी चार्ज जीरो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि इनर प्लेट पर क्यू चार्ज होगा और राइट साइड प्लेट की इनर सरफेस पर ऑपोजिट चार्ज माइनस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू इनसाइड वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आउटसाइड पर चार्ज जीरो हो जाए इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन को जहां पर दो कंडक्टर आर प्लेस्ड वेरी नियर टू इच अदर एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटर 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 डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं वो हम देखेंगे फर्दर डिस्कशन में अब चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाता है चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट is called is called the charge of the capacitor charge of capacitor और बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल बोला जाता है पोटेंशियल यानी कि v equals to potential पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर को हम जैसे डिफाइन करते हैं सो so, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट का डिफरेंट पोटेंशियल होगा लेट से इसको v1 कॉल कर देते हैं और इसको v2 कॉल कर देते हैं दिस प्लेट वुड बी एट v1 पोटेंशियल और ये प्लेट होगी v2 पोटेंशियल पर तो so सो यहां पर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हम कैसे लिखेंगे v1 v2 v1 v2 विल बी द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर अब यहां पर जो भी टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा कि जितना हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना ही पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो यहां पर क्यू बाई वी का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट आएगा और इसी कांस्टेंट को इसी कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस 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 ऑफ द कैपेसिटर यानी कि जो भी कैपेसिटर है कैपेसिटेंस कैन बी थॉट ऑफ थॉट एज ए कैपेसिटी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज यानी कि कितना चार्ज ये होल्ड कर सकता है वो कैपेसिटी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटर होगा आप इसको ऐसे समझिए कि आपको दो पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा और नेगेटिव टर्मिनल इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा और हमारी बैटरी का जो ईएमएफ है वो वी है तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसका भी पोटेंशियल V। जब तक V पोटेंशियल नहीं होगा तब तक ये चार्ज होता रहेगा और जब तक ये चार्ज Q पहुंचेगा तो इनके बीच में पोटेंशियल V पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी जितनी ज्यादा ई की बैटरी आप यहां लगाओगे उतना ही यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो यहां पर चार्ज और वी का जो रिलेशन है हम इसको चार्ज बाई वी को किसे समझते हैं कैपेसिटी से और इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं अब ये कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पहला मैंने आपको बताया था कि ये कैपेसिटी होल्ड करती है शेप एंड साइज एंड साइज ऑफ कैपेसिटर साइज ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा दूसरा जो डिपेंड करता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि यहां पर आपने कौन सा मीडियम लिया हुआ है इस मीडियम पर भी डिपेंड करेगा कि ये कितना चार्ज होल्ड कर सकते क्योंकि जैसे ही हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा तो यहां पर इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन बिटवीन टू पैरल प्लेट्स जो दो पैरल प्लेट्स हैं इनके बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करेगा तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी सो so, इसको कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट एस आई यूनिट, फराड। फराड यूनिट होती है इन जनरल इन जनरल हम कैपेसिटेंस को माइक्रो माइक्रोफ्राइड में क्योंकि फराइड बहुत बड़ी यूनिट होती है माइक्रो फराइड में मेजर करते हैं आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास हैं पैरेलल पैरेलल प्लेट प्लेट कैपेसिटर 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 स्फेरिकल और तो पहले पर क्या होता है हमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड टू अदर सो जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल होता है उसको v पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हम v नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर का जो टोटल पोटेंशियल बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट और यहाँ प्लेट्स में जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है इसको d कंसीडर करते हैं और इनका जो सरफेस एरिया होता है उसको ए कंसिडर करते हैं दो कंडक्टिंग शेल होते हैं दोनों का सेंटर सेम होता है एक को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं और दूसरे को हम इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं दोनों का रेडियस हाउ एवर डिफरेंट रहेगा बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेस्टर दो सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर्स होते हैं कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर्स एक को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं सेम एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस होती है सिलेंडर की सेम एक्सिस पर हमें दूसरा कंडक्टिंग सिलेंडर होता है उसका रेडियस डिफरेंट होता है बट दोनों की एक्सिस सेम रहेगी किसी भी कंडक्टिंग सिलेंडर को आप पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते दूसरे को आप नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिव प्लेट बोला जाता है तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब उसमें कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि यहां पर हमें दो पैरेलल प्लेट दे रखी है आप पैरेलल प्लेट कुछ कुछ ऐसा होता है आप देख सकते हैं ऐसे करके आपके प्लेट्स होती हैं दोनों के बीच बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको डी बोलते हैं और दोनों पर चार्ज क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है क्यू एंड माइनस क्यू तो ये हमने इनका साइड व्यू देख रहे हैं साइड व्यू में पैरेलल प्लेट्स हैं ये मेटल है मेटल की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं हमने इनको चार्ज प्रोवाइड कर दिया है क्यू एंड माइनस क्यू तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों पर जीरो जीरो आउटर सरफेस पर जीरो आ जाएगा इन साइड में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा से दोनों प्लेट्स का एरिया हम ए कंसीडर करते हैं सो so, आप बोल सकते हो सिग्मा पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज डेंसिटी क्या होगा क्यू बाई कैपिटल नेगेटिव चार्ज का भी आइडेंटिकल है नेगेटिव प्लेट भी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो बोली जाएगी वो माइनस क्यू ओवर ए यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेंगे क्यू ओवर ए एन क्यू ओवर ए सो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं गॉजियन गॉज लॉ से यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉजियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल गॉजियन सरफेस लेंगे तो आप ये यह यहां देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा फ्लक्स विल बी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्लेट्स के कंपैरिजन इस डिस्टेंस को बहुत ही छोटा मानते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो देखते हैं कि हम बोलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया ये कैलकुलेट कर लेंगे और इससे हम बोल देंगे क्यू एनक्लोज्ड यानी कि सिग्मा इंटू एनक्लोज चार्ज होगा अपॉन एप्स आपसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्स सिग्मा अपॉन एपसेलोड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है दिस इज द इक्विवेलेंट टू अन्फाइन चार्ज प्लेट इन्फाइनिट चार्ज प्लेट की वजह से जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सो वी कैन से पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव ये हम बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल हायर है इसका पोटेंशियल इट इज माइनस माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि दिस इज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव होगा यहां पर पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट जो अपने को मिलेगा माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रल करेंगे सो so, लेकिन हम यहां पर पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे कहां रहेगा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इंटू कॉन्स्टेंट है इंटू डी आर इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर सेम डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे डिस्टेंस को हमने क्या लिया हुआ है डी लिया हुआ है तो इसको डी से मल्टीप्लाई आपको ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि वी और यू कैन से डेल्टा वी वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव विल बी रो इंटू डी यानी कि सॉरी सिग्मा इंटू डी बाई एप सिग्मा यहां पर होगा चार्ज डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा की वैल्यू आप लिख सकते हो क्यू अपॉन A. Q अपॉन ए आप रखेंगे तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिल जाएगी Q D ओवर ए अब हमने कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया था हमने बोला था कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल चार्ज इज प्रोपोर्शनल दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू V

V की वैल्यू आप यहां से डालेंगे V की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी क्यू डी अपॉन एप्स यहां पर आप V की वैल्यू डाल देंगे आप इस इक्वेशन से V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां पर आप देखेंगे Q कैंसिल हो जाएगा Q कैंसिल हो जाएगा और आपको C की वैल्यू मिल जाएगी यू विल गेट C इक्वल्स टू सी यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट मिलेगा आपको ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये हमें पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आ जाएगा सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ सी इज द कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ एन सम टाइम्स कॉल्ड कैपेसिटी एंड दिस थिंग डिपेंडस ऑन ये डिपेंड करती है पहला एरिया पर डिपेंड कर प्लेट सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑन द एप इंस्टेड ऑफ वैक्यूम इफ वी हैव समाइल्ट्रिक यानी कि ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम यहाँ पर कुछ डायलैक्ट्रिक फिल कर देते हैं कोई भी मीडियम फिल कर देते हैं तो इंस्टेड ऑफ एपसैन आपका क्या होएगा एप्सैन आएगा तो दिस विल बी द दर्मी ऑफ द मीडियम तो ये किस पर मीडियम डिपेंड करती है दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम सो नोट करने के लिए है कि हमारा कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा एरिया पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड तो पैरेलल प्लेट के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ए एप नॉट अपॉन डी मिल जाएगी इसके बाद देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर स्पेरिकल कैपेसिटर में हम क्या देते हैं टू कंडक्टिंग शेल लेंगे कंडक्टिंग इनर शेल होगा और कंडक्टिंग आउटर शेल होगा इनर शेल को आपने कुछ चार्ज क्यू प्रोवाइड किया है और आउटर शेल को आपने कुछ माइनस क्यू चार्ज कर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करेंगे बट ऑपोजिट चार्ज होगा तो यहां पर अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस so, जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से लेंगे तो आप यहां पर गॉजियन सरफेस यहां पर करेंगे, करेंगे। एक Gaussian surface consider करेंगे. गॉजियन सरफेस में आप देख सकते हैं कि शेल की वजह से इनर शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ रेडियली आउटवर्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड दिस इलेक्ट्रिक विल बी आइडेंटिकल टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू यू कैन राइट क्यू बाय आर स्क्वा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट आप कह सकते हो ई डॉट डी आर और लिमिट आप इनर रेडियस यहां पर ए और आउटर रेडियस है बी सो so, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन ए एंड बी और ए और बी से आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर आप इसको आर कैप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो डी आर वैक्टर इंटीग्रेट करेंगे ए से बी डॉट प्रोडक्ट में आर वेक्टर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे आर कैप और डी आर वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा डी आर ओनली क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है हमें मिल जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर लिमिट फ्रॉम ए टू बी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा के क्यू माइनस टाइम्स वन बाई आर लिमिट फ्रॉम ए टू बी माइनस साइन रहेगा माइनस के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि वन बाई बी माइनस वन बाई माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा के क्यू ओवर वन बाई ए माइनस वन बाई बी आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं तो आपको फाइनली यू विल गेट पोटेंशियल इक्वल टू के की वैल्यू आप लिख सकते हो क्यू अपॉन फोर पाई अपसे फोर पाई अपसे वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी को आप सिंप्लीफाई करके बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए बी यह लिख सकते हैं अब हम देख सकते हैं कि क्यूक्व टू सी क्यू क्यूक्व टू सी बी यानी कि हम बोल सकते हैं वी इज ऑल्सो इक्व टू क्यू बाई सी तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्यू के बाद वन बाई सी वन बाई सी विल बी इक्व टू बी माइनस ए अपॉन ए बी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसको और इसको यहां पर आपको क्या मिल रहा है यहां पर आपको क्या मिल रहा है v is defined as Q by capacitance. तो आप देखेंगे कि यह वन बाई सी जो ये वन बाई सी मल्टीप्लाई हुआ है यह फैक्टर है वन वन बाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी माइनस बी माइनस ए इंटू ए बी अपॉन फोर पाई एन लॉ वन अपॉन फोर सो आपको स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी फोर पाएस एन लॉ ए बी बी माइनस ए यह मिल जाएगी सिंगल कंडक्टिंग शेल के लिए यानी कि आपका स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा होता है और यहां पर आप इसका ए दिया हुआ है और इसको पॉजिटिव चार्ज सो यह भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो आउटर शेल है इट इज ऑफ वेरी लार्ज रेडियस एंड बी टेंस टू इंफिनिटी यानी कि देखो बच्चो यहां पर हमारा बी था आउटर इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते जाए बड़ा करते जाए और बड़ा करते जाए तो ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो बी यानी कि जो आउटर रेडियस था वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो बच्चों कैफेस्टर ऑफ सिंगल शेल यानी कि सिंगल कंडक्टिंग शेल का कैपेसिटेंस कितना आएगा उसको हम बोलेंगे फोर पाई ए बी यहां से कॉमन लिया डिनोमिनेटर से भी बी कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा वन माइनस ए बाई बी बी को कैंसिल कर देंगे और बी टेंड्स टू इंफिनिटी आप बी टेंड्स टू इंफिनिटी अगर होगा ए बाई बी टू जीरो हो जाएगा क्योंकि बी आपका बहुत बड़ा नंबर है बी बहुत बड़ा नंबर है तो सी की वैल्यू अपने पास पाई रेडियस ऑफ सिंगल शेल, ये अपने को मिल जाएगी फोर पाइप आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स आप क्या लिख सकते हो के क्यू बाई ए ये लिख सकते हो और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो होगा जीरो का रीजन क्या है क्योंकि आपकी जो आउटर प्लेट है वो दूर होते हुए होते हुए होते हुए इन्फेनाइट रेडियस की पहुंच गई है आप ये देखेंगे जब इन्फेनाइट रेडियस पहुंचेगा तो पोटेंशियल वैसे भी जीरो हो जाएगा या फिर कोई भी चार्ज अगर इनफिनिटी पर प्लेस्ड है तो उसका पोटेंशियल हमने जीरो कंसीडर किया हो तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और यहां पर देखा जाता है कि क्यू बाई सी इक्व टू वी इस तरह से हम डिफाइन करते हैं अपने कैपेसिटर को यानी कि क्यू इक्वस टू सी वी और क्यू बाई सी टू वी तो आप देखेंगे वन बाई सी वन बाई सी इज इक्वल टू के बाई ए के बाई ए के वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं के की वैल्यू होती है 1 upon 4 pi epsilon into A. तो यहां से भी आप देखेंगे कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फोर पाई एपसाइन नॉट इंटू ए मिल जाएगी तो अगर आपको सिंगल प्लेट ही सिंगल शेल दे रखा हो और उस पर कुछ चार्ज है तो उसका भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का होता है आपको अंदर एक हॉलो सिलेंडर होता है और बाहर भी एक हॉलो सिलेंडर होता है दोनों की एक्सिस सेम होती है अंदर वाले को आपने कुछ क्यू चार्ज प्रोवाइड किया प्लस क्यू और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके सरफेस एरिया पर सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम यहां पर अगर गॉजियन सरफेस लें गॉजियन सरफेस लें गॉजियन सरफेस इस टाइप की ले सकते हैं so आप देखेंगे गॉजियन सरफेस इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसके इनर यहां पर एक गॉजियन सरफेस लें बिल्कुल सिलेंडर तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से आएगा न से द फ्लक्स फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कव सरफेस एरिया कव सरफेस एरिया होगा उसका टू पाई आर इंटू एच और इसको गॉज लॉ से हम लिख सकते हैं इट विल बी क्यू एंड क्लोज यानी कि चार्ज एंड क्लोज चार्ज एंड क्लोज को लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू टू पाई एन टू एच आप यहां से देखेंगे एच कैंसिल हो जाएगा टू पाई भी कैंसिल हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अच्छा यहां पर एपसाइल नॉट भी आएगा सॉरी एपसाइल चार्ज एंड अपॉन एपसाइल नॉट टू पाई कैंसिल हो गया एच कैंसिल हो गया ये आर इज रिमेनिंग सो आपको मिलेगा अपॉन एपसाइल नॉट ए बाई आर यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव हम यहां पर निकालेंगे ई इंटू डी आर तो यहां पर ई इंटू डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डी आर करेंगे इन टू डी आर करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इसको ए से B. तो आप देख सकते हैं यहां पर डी आर ओवर आर आएगा और इसका इंटीग्रेशन आता है नेचुरल लॉग ऑफ आर लिमिट जाएंगी जाएंगे आप इसको लिख देंगे सिग्मा ए अपॉन एपसेल नॉट लॉग ऑफ बी माइनस ए यानी कि बी बाई ए आ जाएगा इसको आप क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न एज चार्ज डेंसिटी इंटू टू पाई ए इंटू एच इंटू ए सो यहां से आपको सिग्मा इंटू ए की वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन टू पाई एच यह वैल्यू मिल जाएगी इसको आप रिप्लेस करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको डेल्टा वी डेल्टा वी की वैल्यू अभी मिली थी आपको सिग्मा ए अपॉन एप्स नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए सिग्मा ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे आपको क्यू के टर्म्स में आ जाएगी क्यू अपॉन टू पाई एच इंटू एपस नॉट इन लॉग ऑफ लॉग ऑफ बी बाई हमने लिखा था कि V इज दिस इज द पोटेंशियल इज Q बाई सी अगेन आपको 1 बाई सी की वैल्यू यहां से दोनों इक्वेशन से कंपेयर करने से आपको 1 बाई सी की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन टू पाई एच इंटू एप्स एंड लॉट लॉग ऑफ बी बाई ए तो यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई एच इंटू एप्स लॉट डिवाइड बाई लॉग ऑफ बी बाई यहां पर एप्स परिटी ऑफ वैक्यूम एंड एच इज दाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इस तरह से हम कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल प्लेट स्पेरिकल कैपेस्टर्स निकाल सकते